हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं एकदम सुपर क्रिस्पी और एकदम टेस्टी मेंदू वड़ा बनाने की रेसिपी, बिना किसी झंझट के और बिना ज़्यादा मेहनत के। ना ज़्यादा हम फेंटेंगे और बहुत ही इजी तरीके से आपको क्रिस्पी मेंदू वड़ा बनाना सिखाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। ये हमने उड़द की दाल ली है, इसे 2-3 घंटे पहले भिंगा दिया था और ये अच्छे से फूल गई है। मैंने इसे 2-3 बार धो लिया था। अब हम इसे पीस लेंगे। इसे हम एकदम फाइन नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा रखेंगे। तो मैंने ग्राइंडर जार में डाल के इसे पीस लिया है और देखिए, तो एकदम फाइन नहीं पीसा है और एक दरदरा पीसा है। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए फेंटेंगे। हम इसे भले ही ज़्यादा ना फेंटेंगे, फिर भी हमारे मेंदू वड़ा बहुत क्रिस्पी और एकदम क्रंची बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। अब ये हमने फेंट के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज, 2-3 हरी मिर्ची, 8 से 10 करी पत्ता, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा अब हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। आप स्किप भी कर सकते हैं लाल मिर्ची पाउडर, बच्चों के लिए बना रहे हैं। थोड़ा सा जीरा आधी चम्मच और 4 चम्मच हमने इसमें सूजी डाली। ये हमारी सीक्रेट टिप्स है जिससे हमारे मेनू बड़ा एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। और जो दाल हमारी अगर पतली हो गई, हमें इसमें पानी नहीं डालना है, तो वो पानी भी एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे हमारे मेनू बड़ा का सेफ अच्छा आएगा। अब मैंने थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके इसमें डाल दिया है और थोड़ी सी 1 पिंच हींग। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, ना कि बेकिंग पाउडर, वो हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे मिला लेंगे, अदरक और बेकिंग सोडा को अच्छे से। अब हमने हाथों में थोड़ा सा पानी ले लिया है और थोड़ा सा भाग इसमें से बैटर में से ले लिया है। और देखिए किस तरीके से मैंने इसे मेंदू वड़ा का शेप दिया है, देखिए इस तरीके से फैला के बिल्कुल आसानी से। और हम हल्के हाथ से इसे ऑयल में डाल देंगे। ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कम, लो फ्लेम पे होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो हाई होगा तो हमारे मेंदू बड़ा ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, और लो रहेगा तो जो मेंदू बड़ा है वो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखिए ये ऑयल किस तरीके से ऑयल में हमारे मेंदू बड़ा ऊपर तैर रहे हैं। अब जिसका मतलब है हमारे मेनू बड़ा अच्छे से फूले हैं और क्रंची भी बने हैं, अंदर से सॉफ्ट भी, और अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन करने तक हम इन्हें तलेंगे। देखने में भी कितने यम्मी लग रहे हैं। अब हमने इसे मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगते हैं। ये साउथ की स्पेशल रेसिपी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मेनू बड़ा अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं एक एक करके निकाल लूँगी। देखिए कितने अच्छे से फूले हैं और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए मेरे चैनल।